तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे पावर डायरेक्टर में क्रोमा की का फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। कुछ दिन पहले पावर डायरेक्टर में क्रोमा की का फ्यूचर इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन वो काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल्स में वर्क नहीं करता। जो नॉर्मल रेंज के मोबाइल्स होते हैं उसमें पावर डायरेक्टर का क्रोमा की वर्क नहीं करता और वीडियो लेयर भी उसमें सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि पावर डायरेक्टर का जो क्रोमा की है वो हमारे फ़ोन में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आप कैसे अपने फ़ोन में पावर डायरेक्टर का क्रोमा की फ्यूचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे एक पावर डायरेक्टर का मोड मिला है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो आप उसे डाउनलोड करके जो क्रोमा की का फीचर है और जो वीडियो लेयर आपके फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा, इसे डाउनलोड करने के बाद वो करेगा। तो ये मोड एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको इसे यूज़ कैसे करना है वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्रोमा की का फीचर यूज़ कर सकते हैं पावर डायरेक्टर में। और ये देख लेने के बाद आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके उस मोड को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो मोड वर्शन है वो प्रो है, यानी कि आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा और सारे फीचर्स जो है वो अनलॉक मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं पावर डायरेक्टर। तो सबसे पहले आप अगर यूज़ कर रहे हो क्रोमा की तो आपको पता होगा बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए आपको ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो शूट करनी होगी या फिर ब्लू स्क्रीन पर आपको वीडियो शूट करनी होगी, तब जाके आप अपना क्रोमा की यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मेन लेयर होता है, जो वीडियो ऑडियो हम इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पर आपको इंपोर्ट करना होगा आपका बैकग्राउंड। जो क्रोमा की यूज़ करके आप जो बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, आपको वो बैकग्राउंड पहले इंपोर्ट करना होगा फर्स्ट लेयर में। तो आप उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपका जो बैकग्राउंड है, चाहे वो वीडियो हो या फिर जो भी कोई पिक आप लगाना चाहते हैं, तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से इसे ड्रैग कीजिए, अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना कर दीजिए। तो अब रही यहाँ पर मेन बात, जो आपकी क्रोमा की वीडियो शूट की है आपने ग्रीन स्क्रीन पर या फिर ब्लू स्क्रीन पर, तो वो वीडियो अब आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए आपको जाना है लेयर में, और लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपनी वीडियो को इंपोर्ट करना होगा। और इंपोर्ट करने के बाद आप अपनी वीडियो का जो साइज है उसे फुल कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस वीडियो को ब्लू स्क्रीन पर शूट किया है। तो अब जो है मैं इसका यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। तो इसके लिए आपको अपनी वीडियो पर क्लिक करना है, और वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक पेंसिल का आइकॉन बना आ गया है। तो आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है, और आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रोमा की, आपको उसे सेलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो यूज स्पीकर टू सेलेक्ट ए कलर, तो आपको यहाँ पर एक इंक जैसा सिंबल नज़र आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक उसी तरह का आइकॉन जो है वो आ जाता है। तो अब आपको उस आइकॉन से वो कलर सेलेक्ट करना है जिसे आप रिमूव करना चाहते हो। ऑब्वियसली आपकी स्क्रीन ग्रीन होगी या फिर ब्लू होगी अगर आप क्रोमा फ्यूचर यूज़ करना चाह रहे हैं तो। तो अब आप जस्ट सिंपली अपने हिसाब से कहीं पर भी जो कलर आपको रिमूव करना है अपने बैकग्राउंड से, उसको आप वहां पर रख दीजिए। और रख देने के बाद आपको यहां से फिर से उस वाले सिंबल पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है, यानी कि वो जो कलर का बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है। तो आप यहाँ से जो कलर रेंज है वहाँ से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरी वीडियो प्ले हो रही है, और जो मेरा ब्लू कलर था वो बिल्कुल ही हट गया है, और ये जो मैंने बैकग्राउंड रखा था वो बैकग्राउंड पर मेरी वीडियो जो है वो प्ले हो रही है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा हल्का सा ब्लू कलर आपको यहां पर दिख रहा है, तो आपको उसे अभी हटाना है। तो इसके लिए आपको फिर से वीडियो पर टैप करना है, और टैप करने के बाद आपको उसी पेंसिल के आइकॉन को सेलेक्ट करना है। तो अब आपको यहाँ से एडजस्ट करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे फिंगर्स के पास हल्का सा ब्लू नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ से कलर रेंज को एडजस्ट कीजिए, डिनॉइस यहाँ से आप अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे यहाँ से एडजस्ट कर दीजिए, और करने के बाद ओके कर दीजिए। अब एक बार मैं और फिर से वीडियो प्ले करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने वीडियो को प्ले किया है, और यहाँ से जो ब्लू कलर था वो पूरी तरह से जा चुका है। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो आपको भी इसी तरह से आपकी अगर स्क्रीन ग्रीन हो या फिर ब्लू, तो आपको इसी तरह से क्रोमा की का यूज़ करना है।
तो बस दोस्तों इतना सिंपल तरीका है पावर डायरेक्टर में क्रोमा की को यूज़ करने का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जरी सी भी हेल्प हुई आपको इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको यहाँ पर इसी तरह के टेक वीडियोस मिलते रहते हैं। सो या गाइस मिलते हैं एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।